सब्सक्राइब करें एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं स्पेशल एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल बातें। तो दोस्तों, आज सूर्य और शनि यानी कि सूर्य महादशा में शनि का क्या अंतर, क्या फल हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं छोटे शब्दों में। लेकिन इससे पहले, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर अपडेट यानी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले सुपर फास्ट। सो दोस्तों, करते हैं बात इस पॉइंट पर। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा डीपली न जाकर के शॉर्ट में, कम शब्दों में आपको सारी कहानी सुना दे रहा हूं। तो यहां पर सूर्य की महादशा में जब शनि का अंतर आता है दोस्तों, तो यहां पर बन जाता है कुछ ऐसा फल। कैसा फल, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सूर्य और शनि, आपको पता है कि सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, इसलिए शत्रुता का ही यहां पर जो है फल थोड़ा सा अलग देखने को आपको मिलेगा। इसीलिए यहां पर जब शनि आ जाता है तो राज्य भंग योग, यानी कि आपके राज्य का मतलब होता है कि आपका जो भी कारोबार है, जो भी आपका समाज में अस्तित्व है, जो भी आपका प्रभाव समाज में है, इफेक्ट है अपनी शुभ या बुरी आदतों के कारण, तो वहां पर जो है आपके सम्मान कहीं ना कहीं भंग हो जाता है। यहां पर जो है आपका किया कराए में बहुत सारे जो है बाधाएं आने लगती हैं। यहां पर जो है आपका नाम खराब होता है इस पीरियड के अनुसार। कोई किसी प्रकार का जो है आपको मिथ्या आरोप लग सकता है, यानी कि जो काम आपने नहीं किया है उसका झूठा या सच्चा अपवाद हो सकता है। वो आपने किया हो तो सच्चा अपवाद होगा, यदि आपने नहीं किया है तो झूठा अपवाद कि भी चांसेस यहां पर होते हैं। यानी कि नाम को खराब करने के लिए कोई भी ये काम आपके लिए कर सकता है, आपके नाम को बदनाम करने की चेष्टा यहां पर जो है लोग करेंगे, जिससे कि आपके नाम में काफी फर्क पड़ेगा। आपका किया हुआ शुभ या अशुभ काम जो है आपके लिए खतरनाक साबित यहां पर हो सकता है। तो शनि और सूर्य के प्रभाव से जहां आपका अर्निंग सोर्सेज है वहां पर भी आपको मंदी देखने को मिलेगी और मन आपका विकल रहेगा। यानी कि मन जो है आपका किन्हीं बातों से, किन्हीं कार्यों से जो है यहाँ पर आपका बड़ा परेशान रहेगा, और इस परेशानी से आपका स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है इस टाइम पीरियड के अनुसार। अब दूसरा आपका है विशेष फल बल की क्षीणता। इस समय जो है आपका मनोबल, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर गिरता नजर आता है। यानी कि आपका जो कॉन्फिडेंस अभी तक था लोगों के बीच में, समाज के बीच में, अपने कार्य क्षेत्र के बीच में, या फिर आपके बिजनेस के अंदर, तो वहां पर बिजनेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपको कमजोर होती दिखाई देगी। अर्निंग के सोर्सेस जो है डिम होते दिखाई देंगे। यहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर जो है आपका बिल्कुल डाउन चला जाएगा, जिसके कारण जो है आपकी जो ख्याति है, आपका जो ऐश्वर्य, नेम फेम है, वहां पर भी आपको कुछ डार्कनेस दिखेगी। तो यहां पर इस तरह का फल आपको मिल जाता है। तीसरा फल ये है कि बंधु वियोग, यानी कि आपके परिवार से, आपके यानी कि कुल परिवार से किसी का वियोग सुनने को आपको मिल सकता है, किसके कारण आपको दुख उठाने की जो है ऐसा समय आ सकता है कि आपको दुख उठाना पड़े। वहीं जो है धन धान्य, यानी कि आपने जो है इस समय यदि कोई कैश घर में रखा हो तो उस कैश को जो है बिल्कुल कहीं प्रॉपर्टी वगैरह में लगा दीजिए, क्योंकि वो कैश जो है यहाँ पर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं, पुलिस केसेस के यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा बने बचें, और विकलता
विकलता, चौथा ये जो पॉइंट है ये है विकलता। आप जो है बेमतलब में इस समय परेशान रहेंगे, कोई ना कोई आपको परेशान करने के लिए उत्सुक रहेगा और चेष्टा करता रहेगा, जिसके कारण जो है आपका मनोबल, पैसा, धन धान्य और पारिवारिक कलेश पैदा होंगे। पारिवारिक कलेश में जो है किसी प्रकार का भी कोई कलेश हो सकता है और उसके कारण भी आपके परिवार में जो है जो सुख है वो कहीं उड़ जाएगा। कलेश आदि से आपका जीवन जो है इस समय अस्त व्यस्त हो जाएगा। पांचवी चीज है कि आपके पैरों को, नसों को, यानी कि नसों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है, आपकी हड्डियों में कोई दिक्कत आ सकती है, आपके पैरों में जो है चोट लगने की संभावना इस समय होती है, तो इस समय गाड़ी इत्यादि से थोड़ा सा बच के चले। तो गाड़ी को, यदि आप कार या स्कूटर्स, बाइक या कुछ भी आप अगर आप चलाते हैं, उससे थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है एक्सीडेंटल केसेस भी कई बार बन जाते हैं, तो थोड़ी सावधानी पूर्वक और किसी तरह की नसों से संबंधित प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है। सो फ्रेंड्स, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं इससे अधिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।